आप सभी का स्वागत है और मैं अनुरोध करता हूँ प्रिंसिपल से कि रिबन कट करके आज के इवेंट का जो फिट इंडिया स्कूल वीक के अंतर्गत आयोजन किया जा रहा है जो प्रकार क्लोज साइकिलिंग एक्टिविटी एंड रोड एक्टिविटी। आई रिक्वेस्ट प्रिंसिपल सर एंड द गेस्ट टू कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर सीट्स। वेरी गुड। देखिये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए मुझे लगता है कि सब बच्चे पूरे एनर्जी के साथ होते हैं, एनर्जाइज्ड होते हैं पूरे, और होना भी चाहिए। हमारे विद्यालय में जैसा आपको पता है कि 25 नवंबर से 30 नवंबर तक फिट इंडिया स्कूल वीक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स। इसमें फिटनेस के लिए आप सब लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए ये वीक, इस बार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पहली बार ये शुरू किया गया है और अगली बार से इसके टाइमिंग में थोड़ा बदलाव होगा। इस बार नवंबर के सेकेंड और थर्ड वीक में डायरेक्शन मिली थी, अगली बार से दिसंबर पूरे माह में कोई सा भी एक वीक हर स्कूल CBSE से एफिलेटेड स्कूल इसको सेलिब्रेट करेगा, बनाएगा। और इसका मकसद यही है कि आज हम लोग हमारी परिस्थिति इस तरह की हो गई है कि हम लोग अपनी फिटनेस पर बहुत कम ध्यान देते हैं और बच्चों को बहुत जरूरी है फिटनेस पर ध्यान देना। ग्रोइंग स्टेज है, जितना आप फिट रहेंगे उतनी ही ग्रोथ अच्छी होगी, उतना ही आपका माइंड डेवलप करेगा, उतना ही आपके आगे पढ़ाई में ध्यान लगेगा, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी और आप अच्छे स्वस्थ इंसान स्वस्थ भारत के लिए बनेंगे। मैं आप सभी बच्चों को जो भी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी दो इवेंट आज स्लो साइकिलिंग होगी और रोप स्किपिंग होगी, इन दोनों इवेंट्स के लिए आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई प्रे टू गॉड दैट यू विल डू बेस्ट योर बेस्ट इन दीज इवेंट्स एंड एक हेल्दी स्पिरिट के साथ में आपको पार्टिसिपेट करना है और यहीं तक पार्टिसिपेट करके आपको नहीं रह जाना है। आपको जो यहाँ से आपको ये वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है, ये सब चीज़ें आप अपने पेरेंट्स को, अपने गली मोहल्ले में दूसरे बच्चों को, दूसरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं जिनसे आपका संपर्क है उनको भी बताएंगे कि हेल्दी रहना चाहिए और हेल्दी रहने के लिए हमें कौन कौन सी इवेंट्स, कौन कौन सी एक्सरसाइज छोटी छोटी हमें करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है, हम बार बार आपको बताते रहते हैं। सो इन द लास्ट अगेन आई कंग्रेचुलेट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स and my best wishes to you. Thank you. Thank you, sir. And just within 5 minutes, the first event will start, that is the slow cycling. Bachcho, what is the slow cycling? Isme aapko track milega aur us track mein aapko ek certain distance tak jani hai, jo participant maximum time lekar ke pahunchega destination pe, wo winner hoga. इसके बीच में यदि आपके पैर जमीन पे आ जाते हैं या आप लड़खड़ा के गिर जाते हो या आप मतलब एनी हाउ यू टच द ग्राउंड यू विल बी आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। सो इट इज स्लो साइकिलिंग टू टेस्ट योर एंड्योरेंस, टू टेस्ट योर कंसंट्रेशन, टू टेस्ट योर फोकस टुवर्ड्स द गोल। इसमें बहुत तेजी से चला के आगे नहीं भाग जानी है, कुछ ऐसे मोमेंट भी देखने को मिलेंगे कि एक या दो मिनट जो अच्छे साइकिलिस्ट हैं वो स्टैंड स्टिल हो जाते हैं एक जगह पे बैलेंस करते हुए। तो ये कंपटीशन है स्लो साइकिलिंग की, एक नया कंसेप्ट, अच्छा सा है ये। अब फर्स्ट 10 पार्टिसिपेंट्स को पारस सर लाइनअप कराएंगे साइकिलिंग के लिए और फिर वहां पे प्रिंसिपल सर आएंगे एंड ही विल गिव द विसल और ही विल गिव द हुट और द क्लैप टू स्टार्ट द स्लो साइकिलिंग फर्स्ट इवेंट। रेफरी को वहां जाना पड़ेगा।
ही बच्चे रह गए, बस ये दो, ये दो रह गए हैं। चलिए रेफरी को वहां जाना पड़ेगा। ये दो ही बच्चे रह गए, बस ये दो, ये दो रह गए हैं। चलिए ठीक है, ठीक है।